अच्छा देखिए, आज जहाँ पर मैं अभी खड़ी हुई हूँ उसको मैंने पूरा का पूरा डेवलप किया है। पहले ये जो जगह आप देख पा रहे हो वहाँ पे कार पार्क था, तो जब ये रोड की उन्होंने रिपेयर किया तो उन्होंने सोचा कि ये एक्स्ट्रा कार पार्क है, तो उन्होंने उसको सोचा कि यहाँ पे लैंडस्केपिंग किया जाए। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली गई, तो मैंने ये सोचा कि ये कैसे मैं इसको मुझे सोचना काफ़ी पड़ा इसके लिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पर सर्दियों में धूप नहीं आती है, तो और गर्मियों में भी इतनी स्ट्रांग नहीं आती है, आती है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं आती है। तो मुझे ऐसे प्लांट चुनने थे जो कि छाया में भी रह सकें और हल्की धूप में भी रह सकें। तो उसके लिए मैंने जो सिलेक्शन किया वो मैंने रेफिस पाम, जो कि हल्की छाया में हल्की धूप में रह जाता है, ड्रेसिना दो तीन किस्म का, वडेलिया, क्लोरोफाइटम जिसको स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं, एस्पेरेगस अगेन क्लोरोफाइटम और वडेलिया, ये मैंने दोनों यहाँ पे रिपीट किए हैं, उसके बाद में फिर रेफिस पाम। अच्छा, तो ये मैंने सोचा कि अब मैं इसको कैसे बनाऊँ, क्योंकि छाया के तो मैंने चुन लिए प्लांट्स। अच्छा, दूसरा ये था कि ये पीछे इसके बड़े बड़े सुंदर लगे हुए हैं सारे फाइकस, और ये जो आपने देख रहे हो ये अड़हुल का पेड़ है, ये प्लांट है, ये काफ़ी बड़ा था और अभी तो खैर इसकी कटिंग हो रखी है, तो ये भी मुझे दिखाना था क्योंकि इसके बहुत ही सुंदर फूल निकलते हैं हिबिस्कस के, तो ये भी मुझे दिखाना था। तो मुझे ऐसे ही प्लांट मैंने चुने जो कि ग्राउंड कवर्स हैं मोस्टली। और दूसरा यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि यहाँ सर्दियों में धूप नहीं आती है, गर्मियों में आती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो मुझे ऐसे प्लांट चुनने थे जो धूप में भी रह सकें, हल्की धूप में रह सकें और हल्की छाया में भी रह सकें। तो इसके लिए मैंने जो सिलेक्शन किया वो मैंने रेफिस पाम, ड्रेसिना दो तीन तरह का, कुफिया, वडेलिया, क्लोरोफाइटम और एस्पेरेगस, ये मैंने प्लांट यहाँ पर चुने जो कि छाया भी ले सकते हैं और हल्की धूप में भी रह सकते हैं। तो इसके बाद मैंने सोचा कि ये तो मैंने चुन लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसको कैसे बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि इसके मैं ज्योमेट्रिकल शेप दे के बनाऊँ। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब है कि आपकी पैरेलल लाइंस या स्ट्रेट लाइन या ट्रायंगल्स। तो मैंने बहुत जगह जैसे दुनिया में जहाँ मैं घूमी हूँ, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, तो मैंने ये देखा कि ज्योमेट्रिकल लाइन दे के भी पार्क बनाए जाते हैं, लैंडस्केपिंग की जाती है और बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पर मैंने ये क्या किया है कि पहले तो मैंने ये सोचा कि ये पीछे के जो प्लांट्स हैं उनको पानी देने जाना, उनकी गुड़ाई करनी, उनको खाद देने जाना, तो मालियों के लिए जाने की जगह ज़रूर होनी चाहिए। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप लैंडस्केपिंग करते हैं तो मालियों के लिए जगह ज़रूर छोड़ें, पानी देने के लिए, खाद देने के लिए और गुड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं कैसे करूँ यहाँ पर, तो फिर मुझे पता लगा कि ये जो पेवर्स हैं वो पेवर्स डिस्कार्डेड पेवर्स हैं जो कि हमारे बेसमेंट में पड़े हुए थे, तो मुझे बताया गया कि वो हम फेंकने वाले हैं वो, तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर ले आइए। और मैंने यहाँ पर तीन तीन की रो में, जिससे एक आदमी आराम से चल सके, उसमें मैंने इसके तीन तरफ मैंने ये पेवर्स लगा दिए मालियों की सुविधा के लिए। अच्छा, फिर मुझे इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसमें इंच टेप लाके और उसको बिल्कुल सेंटर लेना, फिर उसके ट्रायंगल बनाना, फिर उसकी पैरेलल लाइन लगाना, इसमें काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी। और ये सब हम सब लोगों ने मिलके, मालियों ने और हमने सब ने मिलके ये किया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर भी डिमार्केशन के लिए पेवर्स लगाए, जैसे कि वो साफ पता लगे कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। अच्छा, वहाँ पर जो मैंने पेवर्स नहीं लगाए, क्योंकि वहाँ पे मैंने ड्रेसिना लगाया, ड्रेसिना का कलर आप देख रहे हो इतना सुंदर लाल रंग है, तो उस ड्रेसिना का भी आप सोच रहे हो कि डिमार्केशन के लिए, ज्योमेट्रिकल गार्डन के लिए आइडियल प्लांट मैंने सोचा। तो अच्छा, पीछे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हरा था तो इसलिए मैंने ये कलर ब्रेक करने के लिए ये दूसरे किस्म का ड्रेसिना लगाया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये करीब 4 साल पुराना हो गया, और आप देख रहे हो कि ज़्यादा बड़ा ये नहीं हुआ, ये बड़ा होता है लेकिन हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से काट देते हैं, इसको हम ऊपर से काट के उसको ज़मीन पर रोप देते हैं और फिर वो नया प्लांट बन जाता है। तो इसकी जो कटिंग, इसकी जो प्रोपोगेशन है, इट्स बाय कटिंग ओनली। मोस्टली जितने भी आप देख रहे हो ड्रेसिना, वो ऊपर की उनकी गर्दन काट दीजिए, यदि आपका आपके पास टाइम है तो उसको पानी में आप डाल दीजिए, पानी में रूट प्रोड्यूस हो जाएंगी, या फिर आप उसमें एलोवेरा का जेल लगा के उसको ज़मीन पे या गमले में रोप सकते हो, वो नया प्लांट बन जाएगा। अगर जहाँ से काटा है, जैसे आप देख रहे हो ये जहाँ से काटा है वहाँ से दो तीन प्लांट निकल आते हैं उसके, तो और भी सुंदर लगने लगता है, क्योंकि यदि आप उसको लंबा छोड़ दोगे
तो ट्विगी हो जाएगा, फिर आपको सपोर्ट देना पड़ेगा और वो गिरता रहेगा इधर उधर। तो ये मैंने इसका किया, लेकिन इसके देखिए अब क्या है, मैंने यहाँ पे ये सोचा कि यहाँ हम खर्चा नहीं करेंगे, बहुत मिनिमल खर्चा करेंगे। तो ये एस्पेरेगस हमारे यहाँ काफ़ी लगा हुआ था, तो उसके बच्चे निकाल के हमने एस्पेरेगस के यहाँ पे डाल दिया। क्लोरोफाइटम तो आप लोग जानते ही हो कि इसके साइड से एक डंडी निकलती है जिसमें खूब सारे बच्चे होते हैं, वो हमने अलग करवा के उसके बच्चे डाल दिए। वडेलिया जो है वो कटिंग से लगता है, तो जैसे ही यहाँ पे काफ़ी लगा हुआ है तो ऊपर से कटवा के मैंने वडेलिया वहाँ पे लगवा दिया। रेफिस पाम के भी बहुत सारे बच्चे लगे थे, तो उन बच्चों को भी हमने यहाँ पे जाके रोक दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि सर्दियों में मैं चाहती थी कि यहाँ पे कोई कलर आए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल निकलते हैं। तो मैंने क्या किया, लास्ट वाले में मैंने नेस्टेशियम लगा दिया। नेस्टेशियम आप जानते हो कि इतना अच्छा प्लांट है ये, एक्चुअली नेस्टेशियम इज़ माय फेवरेट। एंड नेस्टेशियम बहुत हार्डी है, आप एक दफ़ा कहीं से बीज ले आओगे और आप डालोगे, फिर आपको उसको बीज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इसका साइकिल कंप्लीट होता है 3 महीनों में इसके बीज पक के गिर जाते हैं, और गिर के वो नेक्स्ट ईयर का वेट करते हैं। जब टाइम आता है तो समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर में वो फुटाव ले लेते हैं। तो जहाँ पर भी गिरते हैं, ये बहुत जगह गिरे हुए थे, तो हमने उठा के यहाँ पे एक जगह उनको लगा दिया। और जैसा आप जानते हो कि इट इज़ यूज लाइक ए ग्राउंड कवर ऑल्सो, तो उसमें वो ग्राउंड कवर जैसे फैल गया। अभी तो खैर बहुत छोटा है, लेकिन आप देखोगे कि फरवरी मार्च में ये सारा ढक जाता है और उसके ऑरेंज कलर के बहुत ही सुंदर फूल निकल आते हैं। तो ये मेरा ये अपना मैंने जब ये बनाया है तो मुझे काफ़ी संतुष्टि इससे मिली, क्योंकि ये सब लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पीछे, क्योंकि ये जो ज़मीन थी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या लगाया जाए, तो यहाँ पे कुफिया लगाया। कुफिया भी हल्की धूप में रह जाता है और इसमें बड़े सुंदर सुंदर पिंक कलर के फूल निकलते हैं, और ये ज़मीन पर ही रहता है, ये बड़ा नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि ये ड्वार्फ वेराइटी है। इसमें एक आता है जो कि बड़ी वेराइटी होती है, वो मैंने नहीं लगाया, ये ड्वार्फ वेराइटी लगाया और इसमें बड़े ही सुंदर फूल निकलते हैं। और एक बात और है इसमें, इसको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कभी बाहर गए होंगे जंगलों वगैरह में तो आपने ये बड़ा प्लांट देखा होगा कुफिया का, वही वेराइटी है, वही चीज़ है, लेकिन ड्वार्फ वेराइटी है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा करके कलर ब्रेक करने के लिए और इस जो ज़मीन थी उसको छुपाने के लिए मैंने ये सब कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ देखिए, जहाँ पे एस्पेरेगस लगा हुआ है वहाँ पे मैंने इसके बीच बीच में हल्दी लगा दी थी, तो उससे क्या हुआ था कि थोड़ा सा उसको ब्रेक मिल गया था। और हल्दी में सबसे अच्छी खास बात ये कि ये कम धूप में भी हो जाती है, और ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी हल्दी हुई थी जब हमने निकाली, तो काफ़ी बड़ी बड़ी गांठें इसकी हुई थी। और इसको हल्दी को पकने में, तैयार होने में 9 महीने लगते हैं, और इसका बोने का समय है मई, तो हमने मई में बोई थी और हमने फरवरी मार्च में हमने निकाल ली थी। अब सारी निकाल ली गई, लेकिन कुछ शायद अपने आप इसमें बच गई, तो जो मैंने आपको पेड़ दिखाया है हल्दी का वो अपने आप ही निकल आया, क्योंकि गांठ दबी हुई थी। अच्छा, ये जितने भी राइजोम्स टाइप के जो पौधे हैं जिनके राइजोम होते हैं, उसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो ज़मीन में रह जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जब इनका सीज़न आता है तो अपने आप फुटाव ले लेता है। तो इसका जब सीज़न आया था तो मई में उन्होंने अपने आप फुटाव ले लिया। तो ये हल्दी की ये बहुत ही बड़ी खास बात है। आजकल हल्दी को घर में बोने की काफ़ी प्रथा चल पड़ी है, क्योंकि हल्दी हमारा एक आयुर्वेदिक का स्पाइस है जिसको हम माँ औषधि भी कहते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आता है। खैर, वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी हल्दी के बारे में। लेकिन यहाँ पे जब हल्दी की हमने बोई थी तो इसके पत्ते इतने खूबसूरत हैं कि वो सारी मोनोटोनी को ब्रेक कर रहे थे। लेकिन सबसे ख़ास बात इसकी ये है इस गार्डन की कि इसको मेंटेन खूब करना पड़ता है। ये थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आपको उसकी कटिंग करके, एंड मालीज दे हैव टू बी ऑन देयर टोज़।